आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छे हाई क्वालिटी का एयर कंप्रेसर लेके आए हैं। तो ये हमारा सोगो का डिजिटल एयर कंप्रेसर है और ये टच कैपेसिटिव टच के साथ आता है और इसको किसी किस्म का वायर कनेक्शन नहीं चाहिए। ये इसका बैटरी इंडिकेटर्स है जो कि हमारे इसके पास चार पॉइंट है और ये फुल है। देन इसके एक टच से हमारी नीचे इसकी टॉर्च लाइट है जो कि रात के टाइम आपको हेल्पफुल होगी। और हम इसको जो है आप मोड चेंज कर सकते हैं PSI बार और किलोज के अंदर। हम इसको 35 रखते हैं और यहाँ से पावर का बटन ऑन कर देंगे। अब ये कंप्रेसर आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस कंप्रेसर्स के बजाय थोड़ा ज़्यादा स्पीडी है। तो व्यूअर्स, इसने 35.5 पर आकर जो है हमारा इसको स्टॉप कर दिया है। जो कि गाड़ी की डिटेलिंग के शौकीन हैं और जो गाड़ी को घर में वीकली साफ करते हैं उनके लिए एक बड़ी हैंडी प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये पॉलिशर आपकी गाड़ी की वैक्सिंग को बहुत ईजी कर सकता है जो आप वीकली वॉश के बाद अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या है। हमारे पास पॉलिशर है जिसके ऊपर एक फोम एप्लीकेटर पैड है, इसके साथ कुछ एप्लीकेटर टॉवल्स हैं जो कि एक कूल फॉर्म के अंदर है और एक माइक्रोफाइबर फॉर्म के अंदर है। इसके साथ एक फोमिंग पैड है और ये इसके ऊपर इजीली चढ़ सकते हैं। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, इसके ऊपर एंटी स्लिप पैड लगा हुआ है एंड पावर ऑन ऑफ बटन है। तो हम इसके साथ आपको गाड़ी वैक्स करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये पॉलिशर कैसे काम कर सकता है, क्या ये हमारी गाड़ी में अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है और हमें टाइम सेव कर सकता है कि नहीं। ये पॉलिशर जो है 12 वोल्ट सिग्नल लाइट सपोर्ट के साथ चलता है। तो इसकी वायर एक्सटेंशन इतनी है कि आप पूरी गाड़ी को लेफ्ट राइट आगे पीछे तक लेके इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक लिक्विड वैक्स जो कि आप कोई भी अच्छी लिक्विड वैक्स जो आप अपनी गाड़ी के लिए यूज़ करते हैं हम वो वैक्स अप्लाई करेंगे। वैक्स स्प्रेड आउट करने के बाद हम सिंपली इसको ऑन करेंगे। इसके ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे क्योंकि वैक्सिंग है, वैक्सिंग को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती। अब मज़ीद इसके ऊपर एक माइक्रोफाइबर बफिंग जो इसके साथ एप्लीकेटर आया है वो इसको ऊपर लोड करेंगे ताकि हमारी वैक्स जो है बफ भी साथ ही हो जाए। मैं इसके रिजल्ट से काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ कंसिडरिंग कि ये 12 वॉट सिग्नल लाइटर में लगा हुआ है, ये कोई 220 वॉट्स या हैवी ड्यूटी पॉलिशर का काम नहीं कर रहा। तो आइए आपको एक 50-50 रिजल्ट दिखाते हैं कि ऑर्बिटल से जस्ट वैक्सिंग के बाद हमारा क्या रिजल्ट रहा। तो आप देख सकते हैं कि इसने माइल्ड सोल मार्क्स भी हमारे निकाल दिए। अब हम ये तो ट्रीटेड साइड थी, अब अनट्रीटेड पे आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर आपको क्लियरली सोल मार्क्स नज़र आ रहे होंगे। हमारी लाइट काफ़ी अच्छे स्प्रेड भी हो रही है, इसमें इंपरफेक्शंस हैं और दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ अनट्रीटेड साइड, ट्रीटेड साइड। इस वीकेंड मैंने ये गाड़ी अपनी जो है उसको एक रिस्टोर कर रहा था तो उसको डिटेल करने के लिए मैंने सोचा कि यार कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि अगर एक बंदा अपनी गाड़ी की तमाम ओवरऑल रिस्टोरेशन कर रहा है या उसकी डिटेलिंग कर रहा है तो उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए कि वो उसको कहीं और जाना ना पड़े, उसमें तमाम चीज़ें शामिल हों। सोसाइटी को डिस्कस करते करते वी केम अप विद दिस पैकेज जिसमें आपकी गाड़ी की डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट की तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद है और हमने एक उसको बंडल कर दिया है। उसमें आपको गाड़ी का जो है सफाई करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ मिलेगा, उसमें आपको गाड़ी का शैम्पू है, वैक्स है, उसके अलावा आपके पास उसकी ग्लास कोटिंग के लिए है, उसके इंटीरियर की ड्रेसिंग है, उसकी टायर ड्रेसिंग है, ऑल पर्पज़ क्लीनर है। मतलब ये कि आपकी गाड़ी की तमाम चीज़ें जो आपको गाड़ी साफ़ करने के लिए इंटीरियर, इंजन, टायर, एक्सटीरियर के लिए चाहिए वो तमाम चीज़ इस पैकेज में शामिल है। ये बेसिकली हमारा सोगो का हीटर है, गाड़ियों के अंदर हीटर नहीं होता तो उसके लिए ये पोर्टेबल हीटर है। तो व्यूअर्स, ये हमारे बॉक्स के अंदर से आपको एक ये हीटर रिसीव होगा, तो आइए वो गाड़ी में लगाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इस हीटर को इंस्टॉल करने के लिए हम अपने सिंपली सिग्नल लाइटर सॉकेट के अंदर जो है इसका सॉकेट प्लग इन करेंगे और हमारा हीटर जो है ऑन हो जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि क्योंकि ये 200 वॉट्स की तकरीबन कैपेसिटी रखता है हीटिंग की, तो जब गाड़ी के दरवाजे बंद होंगे, शीशे ऊपर होंगे, तो ये गाड़ी के अंदर एक बड़ा कूजी सा इंटीरियर देता है। अभी मैंने इसको लगाया ही और आपको मैं बता सकूँ कि ये वाकई में ही जो है हीट जनरेट कर रहा है और ये एक अच्छी हीट है क्योंकि आज का मौसम काफ़ी ठंडा है। इसके हैंडल के थ्रू इसको गाड़ी के आर्म रेस्ट में यहाँ पर भी रख सकते हैं पीछे, ताकि रियर पैसेंजर्स के लिए हीट आती रहे। आज आपकी गाड़ी के लिए एक बड़ी जबरदस्त कलेक्शन आइटम लेके आए हैं। ये कम्प्लीटली कॉर्डलेस है, इसको उसके साथ कोई पावर केबल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देन इसका एक होल्डर माउंट है, चार्जिंग के टाइम पीछे इसकी पावर केबल आ गई जिस पावर केबल के थ्रू आप इसको चार्ज करेंगे और ये डेस्क के ऊपर ऐसे स्टैंड की तरह पड़ा रहेगा। तो हमारे गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें घास है, पत्ते वगैरह हैं, टिश्यू पेपर है, तो हमने ये ऐसी चीज़ें जो शूज़ वगैरह के साथ गाड़ी के इंटीरियर के अंदर कॉमनली होती हैं, कुछ माइनर डस्ट हैं, उसकी सक्शन अच्छी है कि आप पहले ऑब्वियसली बाय बुक चलें तो आप सबसे पहले कारपेट से जो हैवी आइटम्स हैं वो लिफ्ट करेंगे। तो इसके ऊपर लॉक एंड अनलॉक साइन है, हम सिंपली इसको अनलॉक की तरफ रोटेट करेंगे। ये हमारी डिवाइस और ये हमारी कार्ट्रिज, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से डस्ट जो है वो लिफ्ट कर रहा है और इसकी कैपेसिटी वाइज कॉर्डलेस है, आप इजीली गाड़ी में रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से कॉर्डलेस वैक्यूम ने हमारी गाड़ी के अंदर से क्या गन निकाला है और क्या गन एक्सट्रैक्ट हुआ है।
ये सेंटर मिरर आपको राइट हैंड ड्राइव गाड़ी के लिए रिसीव होगा। आप इसके व्यू में देख सकते हैं कि ये वाइड एंगल लेंस है और ये टोटली एडजस्टेबल है। हमने इसको जो है अभी सेट किया है अपनी गाड़ी के ताकि हमें हल्का सा बोनट नजर आता रहे। अगर आप इसको मजीद टिल्ट करना चाहते हैं तो नीचे आ सकता है, अगर आप स्ट्रेट ऊपर रखना चाहते हैं तो ये बैक से ऊपर भी आ जाएगा। ये इसका रियर कैमरा है जो आपको DVR ब्लैक बॉक्स के साथ रिसीव होगा। ये कैमरा सिंपली इसके पिन के साथ लग जाएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे इन स्क्रीन के अंदर हमारा रियर व्यू का व्यू दे रहा होगा कि आपको इसके अंदर फ्रंट के साथ साथ जो रियर कैम है वो भी कम्प्लीटली नजर आता रहेगा। मैं देख रहा था कि काफी लोग जो है ट्रैवलिंग यूज, अभी जो है सर्दियां आ रही हैं, लोग नॉर्थ में बहुत ज्यादा जाते हैं, बर्फबारी इंजॉय करने जाते हैं, और एक ऐसा सीजन होता है जिसमें यूजली काफी लोग खास तौर पे कराची से जो है नॉर्थ की तरफ भी जाते हैं, पंजाब की तरफ भी ट्रैवल करते हैं। सो एक बड़ी यूजफुल प्रोडक्ट पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के ऊपर मैंने देखी है, जो कि एक टेबल है जिसको आप बड़े आराम से कैरी भी कर लेते हैं और आप अपने पिकनिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आपके साथ हाजिर है एक और प्रोडक्ट शो केस में, जो कि एक इमरजेंसी और SOS टूल किट है, जो कि बड़ी हैंडफुल यूजफुल किट है। हम मजीद इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम आपको फॉरन किट की तरफ लेकर चलते हैं ताकि हम आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें। ये बेसिकली हमारा जंप स्टार्टर मॉडल है। किट बड़ी है, खूबसूरत है, हैंडी टूल है जो कि रिचार्जेबल है। इसके साथ इसका अपना चार्जर आता है और ब्रिक पिन का, वो यहाँ पे लग के चार्ज कर देता है। और मजीद इसके साथ दो USB स्लॉट्स हैं, आप इसके साथ अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। टूल किट को ऑन करते हैं। टूल किट बेसिकली इसके साथ एक SOS इमरजेंसी लाइट है जिसको मैं ऑन कर देता हूँ। ये इसके साथ टॉर्च लाइट आती है जिसके वेरिएबल फंक्शंस हैं। एक और फीचर इसके साथ शामिल है, ये इसका ग्लास ब्रेकर है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी लॉक हो गई है या आपको मतलब इमरजेंसी केस में शीशा तोड़ना पड़ता है तो बेसिकली ये इस तरह से ग्लास पे यूज होता है जिससे आप ग्लास तोड़ सकते हैं। ये सॉकेट है जो कि रबर के साथ है, ये वाटर प्रूफ है ताकि इस पर पानी वगैरह ना जाए। किट को आप सिंपली इसके बाई फेस मैच करेंगे और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लाइव डेमो में आपको शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है तो इसको कैसे जंप स्टार्ट करता है। हमने व्यूअर्स आपके नॉलेज के लिए हमने इस गाड़ी की बैटरी के टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट कर दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड के साथ रेड है, ब्लैक के साथ ब्लैक है। आपने सिंपली इसको टर्न ऑन करना है, एक पावर का बटन देना है तो इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, मीन्स इट्स एक्टिवेटेड नाउ। आप ब्लैक को ब्लैक टर्मिनल पर लगा देंगे और रेड को रेड टर्मिनल पर। आपने इसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखना है कि ये कहीं और टच ना हो। अब ये इस वक्त कनेक्टेड है, हमारे बैटरी टर्मिनल्स डिसकनेक्टेड है। मैं इस गाड़ी को सेल्फ देने लगा हूँ ताकि आप देख सकें कि ये स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स हमारी गाड़ी जंप स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। मैंने इसके RPM थोड़े कम रखे हैं ताकि आपको इंजन स्टॉल नजर आ जाए। तो ये गाड़ी बेसिकली इजिली जंप स्टार्ट कर देता है और इट्स टोटली सेफ टू रिमूव। कुछ लोगों को होता है कि यार करंट ना लग जाए, कहीं ये ना करे, पानी से ना हो, तो ये प्लास्टिक से इसके ऊपर करंट नहीं आ सकता, तो आप इसके बाद इसको सिंपली रिमूव कर दें। आप पूछेंगे कि ये कितनी दफ़ा गाड़ी जंप स्टार्ट कर देता है, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। हम इसको 2 से 3 सेल्फ देंगे ताकि हमें वीडियो में नज़र आ जाए। ये एक फुल चार्ज जंप स्टार्टर जो है, तकरीबन एक स्टैंडर्ड गाड़ी, नॉट ओनली अ हैचबैक, एक सेडान गाड़ी को तकरीबन 5 से 6 दफ़ा जंप स्टार्ट कर सकता है। अभी हमने इसको दोबारा कनेक्ट कर दिया है, गाड़ी बंद है, हम इसको 2 से 3 क्लिक्स और देंगे। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। तो आज हम अपने बाइक यूजर्स के लिए एक और ज़बरदस्त चीज़ लेके आए हैं, जो कि हमारा एक एडवांस्ड जो है हेलमेट है जिसके अंदर बिल्ट इन ब्लूटूथ है और आप इस हेलमेट के साथ अपनी कॉल और म्यूजिक दोनों एंजॉय कर सकते हैं। हमारा ये हेलमेट जो है एडवांस टच सिस्टम के साथ है जिसके अंदर आपके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे टच का सेंसर है जिसके ऊपर उसके फीचर्स जो है मैंशन है। हेलमेट हाफ फेस के अंदर है, हाफ फेस के आगे इसके आगे फ्रंट जो है एंटी स्क्रैच ग्लास है। देन इसके टॉप के ऊपर 2 इसके एयर वेंट्स हैं जो कि यहाँ से खुलेंगे ताकि गर्मी के अंदर आपकी जो हवा है वो क्रॉस होती रहे यहाँ से और यहाँ से। तो हेलमेट के एडवांस फीचर्स की तरफ चलते हैं। हेलमेट अंदर से अच्छी पैडिंग के अंदर है और ये जो है इसके अंदर जो है फोम पैडिंग है सारी, ताकि ये आपको किसी हादसे की सूरत में प्रोटेक्शन भी दे सके। तो फीचर्स की तरफ चलते हैं। हेलमेट के टॉप के ऊपर आपको यहाँ पे 3 फीचर्स नज़र आएंगे जिसके अंदर आप अपना SD कार्ड डाल सकते हैं, चार्जिंग स्लॉट है जो कि हमारी स्टैंडर्ड एंड्रॉयड केबल है, और एक पावर का बटन है। तो पावर का बटन ऑन करते हैं होल्ड करके। तो पावर ऑन हो चुकी है, तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम अपने मोबाइल फ़ोन को सिंपली ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करेंगे। फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है इसके साथ, H1 डिवाइस के साथ, और मैं अपना जो माइक है वो हेलमेट के अंदर प्लेस कर देता हूँ ताकि फर्दर मजीद जो है आपको हेलमेट के अंदर से इसके फीचर्स बता सकें। हमारा माइक इस टाइम हेलमेट के अंदर है, तो इसके साथ कुछ जो है वो प्ले करते हैं। अब जैसा कि हेलमेट के अंदर से आप स्पीकर के साथ गाने सुन सकते हैं, बाइक चलाते हुए आपको आप म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं,
अब हेलमेट के लेफ्ट साइड पे देखें तो लिखा हुआ है सिंगल टच म्यूजिक प्ले एंड पॉज। अगर हम सिंगल टच देंगे तो हमारा म्यूजिक पॉज हो जाएगा, दोबारा टच देने के ऊपर हमारा म्यूजिक रिज्यूम हो जाएगा। डबल टच के ऊपर है कॉल आंसर और लॉन्ग टच है वॉल्यूम अप, कि अगर हम वॉल्यूम कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं वो भी सिंगल टच पे। राइट साइड के ऊपर देखें तो सिंगल टच है लास्ट सॉन्ग, आप सॉन्ग दोबारा शुरू से लगा सकते हैं। डबल टच है नेक्स्ट सॉन्ग और लॉन्ग टच है वॉल्यूम, लाइक आप इसका वॉल्यूम कम करते हैं और आप सुन सकते हैं वॉल्यूम कम हो गया, और यहाँ से इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। एक और बड़ा अहम फीचर है हम इसका कॉलिंग फीचर, कि अगर आपको दुराने म्यूजिक अगर आपको कॉल आ जाती है तो आप हेलमेट के थ्रू ही कॉल आंसर कर सकते हैं। मैं इसमें एक कॉल मिलाता हूँ रैंडमली और हम सुनते हैं कि कॉल को ये कैसे आंसर करते हैं। जी वालेकुम सलाम, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। आज हम आपके लिए बेसिकली टोटल की क्रिस्टल सिरेमिक वैक्स लेके आए हैं। इस वैक्स के बारे में आपने हमारे वेबसाइट के ऊपर भी हमारे पेजेस के ऊपर भी काफ़ी देखा होगा, तो आए इस वैक्स को आज 50-50 शॉट दिखाते हैं और आपको इसका यूजेज दिखाते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये वैक्स अपने एक एप्लीकेटर पैड के साथ आती है। इसमें एक और डील भी हमारी चल रही है जिसमें वैक्स एप्लीकेटर पैड और एक कंप्लीट माइक्रोफाइबर बंडल है। तो आज हम आपके लिए फिर एक निगलेक्टेड ब्लैक कलर लेके आए हैं जो कि किसी भी किस्म की उसकी बेस प्रेप नहीं है, और हम आज इसके ऊपर लाइव प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका 50-50 शॉट। तो व्यूअर्स हमारी गाड़ी 50-50 शॉट के लिए रेडी है और हमने इसके एक पीस को मास्क कर दिया। इसका लेफ्ट साइड हम ट्रीट करेंगे और राइट साइड जो है अनट्रीटेड रहेगी। तो व्यूअर्स हमारा शॉट रेडी है 50-50 के लिए, तो आइए देखते हैं इस वैक्स ने हमारी गाड़ी के पैनल पे कितना को काम किया है। तो आप इसके अंदर बड़ा विजिबल डे एंड नाइट डिफरेंस देख सकते हैं कि टेप से पहले बिफोर वाली साइड पे गाड़ी क्या थी और आफ्टर वाली साइड पे गाड़ी क्या है। तो व्यूअर्स इसके 50-50 शॉट के बाद आपको इसका वाटर बिहेवियर दिखा देते हैं कि गाड़ी बारिश हो रही हो या किस तरह हो तो ये सिरेमिक वैक्स कैसे काम करती है। तो ये साइड हमारी अनट्रीटेड थी और ये साइड हमारी ट्रीटेड है। तो अनट्रीटेड साइड के ऊपर अगर हम पानी फेंकेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, और अगर हम ट्रीटेड साइड के ऊपर पानी फेंकें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के बिहेवियर में कितना डिफरेंस है। इसके अलावा आप अगर कोई भी गाड़ियों के पार्ट्स या एक्सेसरी खरीदना चाहते हैं तो घर बैठे हुए हैसल फ्री परचेज के लिए आप पार्कवीज ऑटो स्टोर पर जाके अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स हैं जो उनको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी प्रोडक्ट क्वालिटी की जमानत जो आपको पार्कवील देता है। पार्कवील स्टोर पर जाएं, वहां बाय नाउ वाले जो आइकन है उस पर क्लिक करें और वहां पर जितने प्रोडक्ट लिस्टेड हैं आप घर बैठे हुए उनको अपने जो है डोर स्टेप पर मंगा सकते हैं।